हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? तैयारी चल रही होंगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट चैप्टर टू का वो सब वो क्वेश्चन जो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट था, तो हमने कहा इसको करना जरूरी है। दैट इज डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का खत्म होना। सर सर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, पहले इसको क्लियर करना आप लोगों को। सर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या और टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या, उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं? क्वेश्चन फुल प्लस आता है, देन हाउ टू डिफाइन, इसको डिफाइन कैसे करने वाले, चीजों को कैसे बताने, ये क्लियर करना। सबसे पहले आप डिफाइन करोगे सर एक कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज क्या होता है। खरीदेगा तो उसके बाद उसको 50,000 बक्स पे करेगा। जब उसने उसको चीजें खरीदी, उसने 50,000 दिए, उसने चीज सप्लाई कर दी, तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो गया। दैट कम्स टू आउट एज अ टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अ डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कई अलग अलग रीजन से भी हो सकता है, तो हमें यहाँ पे इस क्लास में पूरा यही जानना है कि डिसॉल्व कॉन्ट्रैक्ट क्या और कैसे काम करता है। When the contract come to an end, it is said to be discharge or termination of contract. तो सर आपको discharge हो या termination of contract को दोनों चीजें एक जैसी हैं। Secondly, it can be the following ways. सर आप इसके जो following ways है ना, ये जानने बहुत important है। And you guys really need to write down, लिख लो साथ साथ लिख लेना बेटर रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ सब कुछ मिलने वाला है आपके पेपर के लिए। द फर्स्ट आप लेकिन गीता ने 40,000 रुपए दिए और सीता ने उसे फर्नीचर दे दिया। 40 दिए, बात 50 की हुई थी, लेकिन उसने 40 दिए, लेकिन उसने फर्नीचर दे दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया अपने आप। मे बी शी हैज हर ऑन कंसर्न इन दैट, कि वो एग्री हो गई, उसने 40 दिए, चलो खत्म, फर्नीचर हो जाए, दैट्स ऑल आउट। तो आपने कहा डिसाइड बाय परफॉर्मेंस, तो सर एक परफॉर्मेंस मैटर कर दिया, एक्ट हो गया। यहाँ होता है कि उसने कुछ फर्नीचर का पार्ट नहीं भेजा था कि 10 और भेजेगी तो मैं भेजूंगी, लेकिन उसने 40 में भेज दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया। तो आपने डिसाइड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट सर इसमें 50 के 50 दे सकती थी, तब भी हमारा परफॉर्मेंस द डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस आता। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज होता है, हमें कॉन्सेप्ट हो गया परफॉर्मेंस, जो एक कहा गया था उसको पूरा कर दिया। जब करते हैं नेक्स्ट पे एन एग्रीमेंट और आप कंसेंट। सर ये एग्रीमेंट और कंसेंट को समझ लेना, अलग अलग पार्ट है। पहला सर एग्रीमेंट और कंसेंट डेफिनेटली डिफाइन किया जाता है। सर एग्रीमेंट जहां पर दो लोग आपस में मिलकर बात करें कि इसको डील करें, कंसेंट हामी भरना, आप हामी भरें कि हाँ काम हो जाएगा और मैं इसको बहुत इजी करने वाला हूं। तो कंसेंट में फर्स्ट हमारे पास आता है नोवेशन। सर इनोवेशन क्या है, इसको क्लियर करते हैं। द नोवेशन आर न्यू कॉन्ट्रैक्ट सबटाइटल फॉर द ओल्ड, मतलब क्या किया हमने, वो जो पहला कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था उसको रिप्लेस कर दिया, उसके अंदर एक सब्स्टिट्यूट कर दिया नए कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब वी एड ऑन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन बिटवीन दैट ओल्ड वन, इसको कहेंगे इनोवेशन। तो डिसाइड मतलब पहले वाला डिसाइड हो गया, आ गया सो नया वाला आ गया, क्लियर करना। पहले वाला डिसाइड हो गया अपना, कोई नए वाले ने उसकी जगह ले ली। Second, now recession. So that is a certain terms cancel. हमने कहेंगे पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट की कुछ टर्म्स को कैंसिल कर दिया। We cancelled the earlier contracts की कुछ टर्म्स थी, उसको हमने वहां से हटा दिया। हटा के एक नया टर्म आ गया, तो सर अपने आप को पहले कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कराएगा। तो सर यहाँ कंसेंट और एग्रीमेंट बन गया, आपने कहा पहले टर्म की कुछ कॉन्सेप्ट कुछ शर्त तो वो हटा दिया गया। Come to the third one, alteration. सर modify करना, पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट को या मैंने मॉडिफाई कर दिया, बट मॉडिफाई मतलब कई चीजों को बदला, यार ये ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, तो सर जस्ट द सेम वन जो ओल्ड चलता था हमारा उसको मैंने मॉडिफाई कर दिया, चीजों को बदला, तो और अच्छे के लिए किया। तो सर अपने आप पहला कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया और नया कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया। नेक्स्ट वन रेमिशंस, अ लेसर फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस। सर जितनी बातें कही गई थी ना पिछले कॉन्ट्रैक्ट जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था उसकी सारी बातें पूरी नहीं हुई। जब उस कॉन्ट्रैक्ट की सारी बातें पूरी नहीं है तो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा सर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सब कुछ चल ही रहा। व्हेन एवरीथिंग इज नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप डिस्चार्ज कहलाएगा। तो सर आपने अभी अभी डेफिनेशन बोलता, जब एक कॉन्ट्रैक्ट कम टू एन एंड आता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, जब हम सारी बातें नहीं मानोगे तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वन वेवर, एवडन एंड द म्यूचुअल राइट्स। सर वेव ऑफ करना, वेवर आपने भी क्या होगा, एक चीज वेव ऑफ कर दिया था, एक चीज छोड़ दिया था, तो कुछ शर्तें कुछ कंडीशन को जो एवेंडेंट कहते हैं उसको हम बोलते हैं वेवर बाय एग्रीमेंट और कॉन्सेंट। एंड द लास्ट वी आर हैविंग अ मर्जर, जब दो चीजों को जोड़ दिया जाता है,
इन्हीं दो प्रॉमिसेस के लिए दो कंडीशंस को मर्ज कर देगा। आप कहते हैं नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और पुराने कॉन्ट्रैक्ट में उसको क्या कर देगा, मर्ज कर देगा, सर जोड़ देगा। मतलब नया कॉन्ट्रैक्ट पहले ही चला था ऑलरेडी, उसमें नए को एड ऑन कर देगा। तो हमने बोला दैट इज नोन एज मर्जर। तो सर यहां हमारा फर्स्ट पॉइंट था डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, सेकंड बाय एग्रीमेंट और कंसेंट। तो ये तो आपको क्लियर होगा, तो डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और कंसेंट, आई होप क्लियर है। तो साथ साथ लिखे आप लोगों ने ताकि ये चीजें क्लियर कर पाए। कम ऑन नेक्स्ट वन, बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सर ये इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है क्या, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। अभी इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस को हमें जानना जरूरी है, मतलब कोई काम हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम उसको परफॉर्म कर पाए। सर ये परफॉर्म ना कर पाए इसके चेंजेस क्या है। अब कई सारी चीजें वो हमें समझनी जरूरी है, दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके कॉन्सेप्ट को समझना कोई इम्पॉसिबिलिटी, मतलब सर मेरे को क्या करना था, मेरे को चीजें पहुंचानी थी किसी ए को बी को सामान पहुंचाना था, लेकिन ड्यू टू सर्टन रीजंस वो काम अब हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबिलिटी। तो सर वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप डिस्चार्ज हो गया। आपने कहा मुझे कहीं पर जाकर सुबह के टाइम मुझे जाकर सारी चीजें ठीक करनी थी, लेकिन मैं किसी रीजन से वहां नहीं जा पाया और सुबह की जगह शाम हो चुकी है, तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप डिस्चार्ज कहलाएगा क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं रही। तो कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस। देन लैप्स ऑफ टाइम। सर हर परफॉर्मेंस का एक टाइम होता है, जिस टाइम पर अगर वो परफॉर्मेंस या कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया गया तो देयर इज नो यूज ऑफ इट। मतलब आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए टाइम बाउंड दे जाएगा आपको कि इस टाइम पे काम हो जाना चाहिए, लेकिन वो टाइम पे काम नहीं होना, मतलब स्पैन ऑफ टाइम सर एक महीना, दो महीने या एक हफ्ते का टाइम दे गया, उस पीरियड में अगर टाइम नहीं हुआ तो दैट इज अ डिस्चार्ज और लैप्स ऑफ टाइम। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। कम अप टू बाय द ऑपरेशन लॉ। सर ये ऑपरेशन लॉ को चार अलग अलग पार्ट में बांटा गया, मे बी द डेथ ऑफ अदर प्रोमिसर प्रोमिसर, द इंसॉल्वेंसी, मर्जर और अनऑथराइज्ड और ऑल्टरनेशन। इन चारों से कोई भी कंडीशन अगर वहां अप्लाई होती है तो कहलाएगा डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन लॉ, क्योंकि वो चीजें नहीं चल पा रही। अब ऑपरेशन लॉ में अगर किसी प्रॉमिस या प्रॉमिसर की डेथ हो जाती तो डेफिनेटली काम नहीं हो पाया। अगर वो दिवालिया हो गया उसके बाद पैसा नहीं बचा, कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल ही नहीं कर सकता क्योंकि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज डेफिनेटली आता है एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, तो यहाँ कैपेसिटी तो रही नहीं इंस्टॉल होने के बाद। सर दो चीजों का मर्जर हो गया, दो चीजें जुड़ गई, जब जुड़ गई तो कॉन्ट्रैक्ट की अपने आप वैलिडेशन खत्म हो गई। And then unauthorized alteration, sir, alter कर सकते हैं, लेकिन unauthorized जिसमें दोनों पार्टियां agree नहीं करी, वो कैसे alter कर सकते हैं? Come up to the next one. It is the breach of contract or a failure of performance by obligation of the party. कोई एक पार्टी उस contract को कर ही नहीं पा रही, तो सर उसे कहेंगे breach of contract, contract का टूटना। तो हैं क्लास को पूरा शुरू से आखिर तक हमने कहा चैप्टर क्या था, उसके कॉन्सेप्ट क्या थे, और अगर कोई हमसे बोलता है डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, द डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज टू बी द टर्म वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी टर्मिनेटेड, खत्म हो जाना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का एंड पे आना। अगर कॉन्ट्रैक्ट अपने आप पूरा होता है तो भी ठीक है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट का टाइम स्ट्रेस नहीं हुआ लेकिन कई रीजंस की वजह से सच एज दीज, इनमें से किसी भी रीजन की वजह से अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो दैट इज नोन एज टू बी डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए हमें कुछ चीजों को ऑन टिक करना होगा, जैसे कि इफ वी आर हैविंग डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और कंसेंट, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, जिसमें नेविगेशन, रिसेशन, ऑल्टरेशन, रिमेंशन, वेवर एंड मर्जर को डील करते हैं। देन ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब ऑपरेशन लॉ भी अपने अंदर चार चीजों लेके चलती है, आपने कहा दैट इंसॉल्वेंसी, मर्जर एंड ऑथराइज्ड ऑल्टरेशन। And at the time of writing this answer in an examination, what you guys have to do, you need to explain these terms. The more you explain, the more marks you're going to get. Reason, आपकी presentation के अगर हो सके तो एक chart को पहले बनाना, ताकि teacher को chart को पूरा देख के clear कर पाए कि बच्चों को पूरा का पूरा answer on tip है। वो एक significant role play करता है आपके marks में। आपको answer लिखना है, answer लिखना आपको वो आता है, लेकिन आपकी presentation बहुत ज़्यादा matter करती है। तो गाइस प्लीज डू वर्क ऑन दीज। बाकी रहा क्या सर, बाकी चैप्टर्स के नोट्स आप लेके आने वाले हैं, जैसे कई बच्चे बोलते हैं सर बाकी चैप्टर्स नहीं आएंगे, तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स आने वाले हैं, डोंट वरी, जो भी टॉपिक्स और टॉपिक्स भी आपको मिलेंगे, आप सिर्फ स्टे ट्यून्ड रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि उधर से ही आपको नोटिफिकेशन मिलती है। और वीडियो से समझ आया तो प्लीज
जो लाइक वाला बटन है उसको प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि लाइक से पता चलता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। देन शेयर कर सकते हैं तो कीजिए, कि मिलने वाले हैं जल्दी नई वीडियो साथ। बाय गाइस।